शहबाज सरकार ने 10,000 अरब का बजट हुकूमत का खर्च निकालने के लिए दिया। टैक्स लगाकर मजीद महंगाई कर दी, बेरोजगारी बढ़ा दी। माहिरीन इक्तसादियात इम्पोर्टेड हुकूमत पर फट पड़े, मुल्क को दिवालिया किया जा रहा है। सनतकारों पर लगने वाले टैक्स का बोझ अवाम पर ही पड़ेगा। पॉलिसियां, माहरीन माशियात सर पकड़ कर बैठ गए, कहते हैं इतने टैक्स लगाने से बेरोजगारी बढ़ेगी, सरमायाकारी बुरी तरह मुतासिर होगी। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, डॉलर के रेट आसमान पर पहुंच गए। माहिर इक्तसादियात डॉक्टर सलमान शाह ने बोल की इम्पोर्टेड बजट ट्रांसमिशन में कहा, 10,000 अरब रुपए का बजट बनाना अहमकाना बात है, ये खर्चे भी इन्हें हुकूमत चलाने के लिए चाहिए। टैक्स लगा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो इस मुतसाद पॉलिसी में मईशत तबाह हो रही है, मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है। हमारा भी यही वक्त है कि इस वक्त एक क्राइसिस आया है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम क्राइसिस में हैं, लेकिन उसके उसको काउंटर करने के लिए हमारे तो पास कोई है ही नहीं ना, मैनेजर्स ही नहीं है जो इसको काउंटर करें। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और माहिर माशियात शौकत तरीन कहते हैं हुकूमत ने टैक्सेस की भरमार कर दी है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। टैक्स बढ़ाने के बावजूद ये 7,000 अरब इकट्ठा कर रहे हैं, हम टैक्स बढ़ाए बगैर 8,000 अरब जमा करते रहे। ये इन्होंने कहा 80% डेट वाली बात की, 80% बढ़ा दिया। अरे भाई वो 80% नहीं है, 77% है, और आपके वक्त में वो 79% था जो आपने पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो डेट बढ़ाया था 14 ट्रिलियन से, आपने जब ले गए थे 25 ट्रिलियन पे वो 79% था। नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत का दावा है कि गरीबों से नहीं बल्कि अमीरों से टैक्स लेंगे। माहिरीन माशियात कहते हैं ऐसे टैक्सों का बिलवास्ता और बिला सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।